नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल मरा नाम है। तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का अपडेट लेकर आया हूँ। इस पूरी वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश की जो नदियों संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर करा है। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि हो सकता है इस पूरी वीडियो में से कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न आपको आने वाली परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही यदि आपने हमारी और वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी लोग वीडियो को अवश्य देखें। इससे पहले भी हमने आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस बनाई थी, जैसे कि मध्य प्रदेश में कौन क्या है। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने अपना प्यार दिया इस वीडियो को, साथ में मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण किले या जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और साथ में जनवरी फरवरी और मार्च की भी हमने करंट अफेयर की वीडियो बनाई है, तो उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। जरूरी वीडियो को देखिएगा, ये सभी वीडियोज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों की तैयारियों में। तो आने वाले परीक्षाओं में आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे, वो इनमें से देखने को मिल जाएंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से एक गुजारिश और होगी, यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएगी, साथ ही जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ है वो भी लगातार उस ग्रुप में आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों से गुजारिश होगी ग्रुप में ऐड हो जाइए, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लेकर पांचवी नदी कौन सी है, क्योंकि सारे प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। तो आप लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों को अब किस हिसाब से तैयारियां करनी है। तो पांचवी सबसे बड़ी नदी की अगर बात करेगा तो पांचवी सबसे बड़ी नदी है आप लोगों की बेतवा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सी नदी अपने किनारों पर बड़े बड़े खड्डे निर्मित करती है जो कि वस्तुओं के लिए आश्रय स्थली का कार्य करती हैं। तो कौन सी ऐसी नदी है जो अपने किनारों पर बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो है चंबल नदी, अपने जो किनारे हैं उन पर बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की जिस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है वो उसी नाम के जैसे है, स्वर्ण नदी को कहते हैं सोन नदी, यानी कि स्वर्ण नदी की बात करेगा तो सोन नदी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश की कौन सी नदी स्वर्ण नदी कहते हैं, तो वो आपकी सोन नदी को कहते हैं। आगे बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 3 किलोमीटर के बीच अंतर से दो नदियों का उद्गम होता है, तो उन दोनों नदियों के बारे में बात बताना है। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी होगी कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 3 किलोमीटर के दायरे के भीतर दो नदियाँ निकलती हैं, दोनों नदी का नाम है नर्मदा और सोन। तो आप लोगों को ये भी याद रखना होगा, क्योंकि प्रश्न काफ़ी घुमाकर भी आते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। तो मध्य प्रदेश में जो भी नदियाँ बहती हैं, जितनी भी नदी बहती हैं, वो सभी प्रायद्वीप पठार की नदियाँ हैं। उसका अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक नदियाँ कौन से प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं। तो आप सभी लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक नदी कौन से देश में प्रवाहित होती है। अब जैसे कि भारत में सबसे ज़्यादा नदी मध्य प्रदेश में बहती है, इसी विश्व में सबसे ज़्यादा नदी कौन से देश में बहती है, तो वो इसका आंसर भी आपका भारत हो जाएगा, यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं वो अपने भारत में हैं। अगला प्रश्न है कि किसी भी देश या राज्य की जीवन रेखा क्या होती है, यानी कि किसी भी देश या किसी भी राज्य की जो जीवन रेखा होती है वो क्या होती है। तो जो आपकी जीवन रेखा होती है वो आपकी नदियाँ होती हैं, नदियों को ही आप लोगों का जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की चार बड़ी नदियाँ कौन सी हैं। तो मध्य प्रदेश की जो चार बड़ी नदियाँ हैं, वो चार बड़ी नदियाँ कौन सी हैं, पहले नंबर पर आपकी आती है नर्मदा, दूसरे नंबर पर आपकी आती है चंबल, तीसरे नंबर पर आपकी आती है सोन, चौथे नंबर पर आपकी आती है ताप्ती, और अभी हमने ऊपर पढ़ी थी कि पांचवें नंबर पर जो नदी आती है वो है आप लोगों की बेतवा। तो ये आपकी पांच नदियां हो चुकी हैं, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर और पांचवें नंबर पर। तो आप लोगों को ये सारे प्रश्न अच्छे से याद रखने होंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी प्रश्न परीक्षा में बनने के पूरे पूरे संभावना है। इसके साथ ही अगले प्रश्न पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत की सबसे ज़्यादा नदियाँ मध्य प्रदेश में ही बहती हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में लगभग कितनी छोटी और बड़ी नदियाँ बहती हैं। तो अगर एक अंदाजन औसतन बताएं तो मध्य प्रदेश में लगभग 207 छोटी या बड़ी नदियाँ बहती हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बात होगी। तो अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि मालवा की गंगा किसे कहते हैं। तो आप लोगों को इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कर लेना है कि मध्य प्रदेश की अगर गंगे की बात करेगा तो जो मध्य प्रदेश की गंगा है वो आपकी बेतवा है, वहीं पर अगर बात करेगा मालवा की गंगा कौन सी है तो मालवा की गंगा छपरा को कहा जाता है। दोनों ही प्रश्न आप लोगों को क्लियर रखने होंगे, इनमें क्लैशेस हो जाते हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी भारत की कौन सी सबसे लंबी नदी है। अब आपको सभी लोगों को तो मालूम है कि मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नदी नर्मदा है, लेकिन अगर यही भारत में बात करें तो जो नर्मदा का स्थान मध्य प्रदेश में तो पहला है, लेकिन भारत में अगर बात करें तो यह 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। तो आप लोगों को ये भी चीज़ याद रखनी होगी कि मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि भारत के उत्तर तथा दक्षिण भागों के बीच विभाजक रेखा का कार्य कौन सी नदी करती है। भारत के बीच में जो भारत का नक्शा है, उस भारत के नक्शे में अगर विभाजन का कार्य करें, यानी कि भारत का नक्शा अगर आप देखें कुछ इस प्रकार से, तो भारत का नक्शे के जो विभाजन का कार्य करती है, यानी कि दो भागों में बांटती है जो नदी, वो नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है नर्मदा। यानी कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और यहाँ पर बहती है, तो ये विभाजन का कार्य करती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो वर्धा और बेनगंगा का संगम स्थल किस नाम से जाना जाता है। आजकल इस प्रकार के संगम स्थल से संबंधित प्रश्न काफ़ी आते हैं कि कौन कौन सी नदी मिलाकर कौन सा संगम स्थल बनाती है इसके ऊपर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्धा और बेनगंगा जो संगम स्थल बनाती हैं उसका नाम है प्राणहिता। तो आप लोगों का प्राणहिता जो है संगम स्थल है किसका, वर्धा और गंगा बेनगंगा का। अगले प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कौन सी दो नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। आप सभी लोगों को तो मालूम होगा कि ज़्यादातर सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, लेकिन दो ऐसी नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती, वो मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम है नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों ही जो नदियाँ हैं वो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो आप सभी लोगों को ये दोनों ही चीज़ याद रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि बेनगंगा किस दिशा में बहने वाली नदी है। तो बेनगंगा कौन सी दिशा में बहने वाली नदी है, तो सभी नदियां ज़्यादातर ये आपकी बहती हैं कुछ इस दिशा में बहती हैं, लेकिन जो बेनगंगा है वो दक्षिण दिशा में बहती है, और जो नर्मदा और जो ताप्ती है वो आप लोगों की पश्चिम दिशा में बहती हैं। तो आप लोगों को ये भी याद रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ काफ़ी हैं मध्य प्रदेश में, जैसे चंबल आप लोगों की उत्तर की ओर बहती है, केन नदी होगी, सोन नदी होगी, बेतवा नदी होगी। तो आपको सिंपल एक आइडिया रखना है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई है, वहीं पर अगर भारत की बात करेगा तो जोगोरसप्पा आप लोगों का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि रामायण के बालकांड में किस नदी को सुमागधि कहा गया है। यानी कि वाल्मीकि रामायण में जो बालकांड हुआ था उसमें एक नदी को सुमागधि कहा गया था, सुभागधि। तो उस सुभागधि नदी का जो नाम है वो आज की डेट में क्या है, तो आज उसको सोन नदी के नाम से जाना जाता है। तो सोन नदी के नाम से इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मेघदूत में कालिदास ने किसका उल्लेख किया है। कालिदास ने जो अपनी मेघदूत लिखी थी उसमें उन्होंने किस का उल्लेख किया था, तो उसमें उन्होंने चर्मावती का उल्लेख किया था। चर्मावती का जो दूसरा नाम है वो चंबल नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि महाभारत के अनुसार सूर्य भगवान की पुत्री है। महाभारत की अगर अनुसार माने तो जो सूर्य भगवान की पुत्री है वो ताप्ती नदी को कहा जाता है। ताप्ती नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि केन का एक प्राचीन नाम भी था। केन नदी है, केन नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, तो आप सभी लोगों को ये अच्छे से याद रखने होंगे कि केन नदी का जो प्राचीन नाम है वो है द्रावती। तो द्रावती जो नाम है वो किसका है, केन नदी का है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि टोंस नदी को पुराणों में किस नाम से जाना जाता था। तो जो टोंस नदी है उस टोंस नदी को पुराणों में अगर देखा जाए तो पुराणों में किस नाम से जाना जाता था, तो तमसा नदी से जाना जाता था। तो तमसा नदी जो नाम है वो किसका है, वो टोंस नदी का नाम है। टोंस वर्तमान नाम है, लेकिन पुराना नाम देखें पुराणों की बात से तो वो तमसा नदी है। अगला प्रश्न है कि बेनगंगा का उल्लेख किस पुराण में मिलता है। बेनगंगा जो नदी उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर बहती है, उस नदी का जो पुराण का सॉरी जो उल्लेख है वो किस पुराण में मिलता है, तो वो आपके महाभारत में बेनगंगा का उल्लेख भी मिलता है। तो दोस्तों ये हो गई आपकी पूरी सीरीज मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों के संबंधित जो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाली परीक्षाओं में भी आप लोगों से पूछे जाए। साथ ही आप सभी लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण वीडियोस बनाई हैं, तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें रखे हैं, तो आप उन वीडियोस को अवश्य देखिएगा। साथ में आप सभी लोगों के लिए हम मध्य प्रदेश के जलप्रपात और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स पर डिटेल में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आएंगे, और उम्मीद करेंगे कि आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में वो सभी प्रश्न देखने को मिले। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाएं। वहां पे आपको इन सभी वीडियोस के पीडीएफ साथ साथ सभी प्रकार के महत्वपूर्ण जॉब्स के अपडेट और महत्वपूर्ण बुक्स के पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएंगे।